वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हम लोगों ने पूजनीय महाराज से जाके निवेदन किया कि आजमगढ़ में जितना काम रुका हुआ है, ऑलरेडी जितनी अर्जी गई हुई है, उन सब तत्काल पहले काम शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारा काम वहाँ दे रखा है, चाहे वो मास्टर प्लान हो आजमगढ़ का, चाहे वो दीवारा के पुल हो, चाहे वो शहर की जो सड़कें हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने सभी विधानसभा के अपने सभी प्रत्याशियों को भी जो चुनाव लड़े थे उन सबको भी ये कह दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र से जितना काम है वो तत्काल आप जो है लिख करके लाइए, क्योंकि पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम सर को भी आदेश जारी कर दिया है कि आप जो है वहाँ के सभी कार्य को कराना शुरू करिए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कार्य धरती पे दिखने लगे। मुख्य प्राथमिकताओं में कौन सा कार्य है? जो नीति व्यवस्था, बारिश के समय में जल भराव की व्यवस्था, जी मैंने इस बारे में डीएम सर से बात की तो उन्होंने बताया कि जगह जगह पंप की व्यवस्था है, जहां से वो लोग पानी निकाल पाएंगे जहां भी जल जमा होगा। उसके अलावा नालों की सफाई भी करवा लिए हैं वो लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आजमगढ़ के जो घर बने हैं, जो अब तक निर्माण हुए हैं, वो किसी प्लान के तहत नहीं हुआ है। ऐसी प्लानिंग से नहीं हुई है कि कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से नाला निकलेगा, कहाँ से, तो वो प्लानिंग के साथ जब तक काम नहीं होगा तब तक इस समस्या से जल्दी छुटकारा नहीं हो पाएगा, तो उस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि जो यहाँ पे कोविड के समय में ट्रेनें रुक गई, पहले उसको चालू कराया जाए। जो रेल मार्ग से हम लोग बनारस को जोड़ना है उसको, उस पर काम किया जाए। जो सड़कें टूटी फूटी और एकदम खराब हालत में हैं उन पर तुरंत काम चालू हो जाए। जो पुल जिसके वजह से बाढ़ आने पे दीवारा के लोग फंस जाते हैं वो पुल का निर्माण शुरू कराया जाए। तो इस तरह से काम करने को बहुत काम है जो ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हुए हैं। अब उस पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिया है, वो काम शुरू भी हो जाएगा। धीरे से आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद आजमगढ़ में आए हैं और लोगों के बीच में हैं, क्या कहेंगे जनता को? जनता से यही कहेंगे कि आपने जो भरोसा दिया है वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ कमल खिला है। तो इसके बाद पूजनीय महाराज जी ने भी आश्वासन दिया है कि आजमगढ़ का कोई काम रुकेगा नहीं। अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे, जबकि उनका कल जन्मदिन भी है और परिवारवाद अब नहीं चल सका यहाँ? नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार आजमगढ़ पीछे चला गया, पिछड़ गया। अब आजमगढ़ ने तय किया है कि आजमगढ़ विकास के रास्ते पे चलेगा, इसीलिए कमल खिलाया है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी।